इन राजपूत लोगों ने आने जाने का रास्ता बंद करके हमारे घरों में बैठे हैं और कई पशुधन हमारे उनकी मौत हो चुकी है, गायें मर चुकी है कई और कई बकरियां मर चुकी हैं, बुरी दशा हो रही है और पानी पेशाब करने का भी रास्ता नहीं बचा है। अशोक गहलोत के राजस्थान में जातिवाद का नंगा नाच, दोस्त में जाति का आतंक चरम पर, घर में कैद किए अनुसूचित जाति के लोग, करीब 800 से ज्यादा लोगों को किया गया कैद, राजपूत समाज के लोगों ने किया अमानवीय व्यवहार। नमस्कार, मैं ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं जनता आवाज। बधाई हो, देश में केंद्र की मोदी सरकार द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, घर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है और विपक्ष भी अपनी आवाज को मजबूती के साथ बुलंद करता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी 5 अगस्त को ही महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के विरोध में कांग्रेस द्वारा दिल्ली में जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। जी हां साथियों, उसी कांग्रेस द्वारा जिसकी राजस्थान में सरकार है, अशोक गहलोत के राज में राजस्थान में वो सब कुछ देखने को मिल रहा है जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। राजस्थान के जोधपुर से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसे जानकर आपको विश्वास ही नहीं होगा कि आप 21वीं सदी में जी रहे हैं। आज सुबह से सोशल मीडिया में एक वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक गांव के अनुसूचित जात के सभी लोगों को गांव के अंदर बंधक बनाया गया है। वीडियो में एक व्यक्ति अपनी पीड़ा बता रहा है, करीब 80 घरों के सभी सदस्यों के साथ साथ जानवरों को भी कैद किया गया है, वो भी कांग्रेस राज में। जी हां साथियों, जो कांग्रेस अपने आप को दलितों का मसीहा कहते नहीं थकती, उसी कांग्रेस के राज में यह सब कुछ बड़ी ही आसानी से चल रहा है। जिस तरह से गांव के सभी परिवारों को बंधक बनाया गया है और वे अपनी पीड़ा बता रहे हैं, वीडियो देखकर तो नहीं लगता कि अपराधियों पर अब तक कोई कार्रवाई की गई होगी। देखिए कैसे भूख प्यास से तड़प कर कई जानवरों की मौत हो चुकी है। जी हाँ, कई गायों की भी मौत हो चुकी है इस भूख प्यास से तड़प कर। निजी रास्ता है, आम रास्ता है, इन लोगों ने बंद कर दिया है। इनके वजह से हमें बहुत परेशानी होती है। हमारी जो ये बकरियां हैं, कम से कम आप देख रहे हो कि हमारे घरों के अंदर, हमारे भीलों के कम से कम 80 घर है। इसके अंदर हमारे यहाँ समाज के 80 घर हैं, 80 घर के अंदर कम से कम 700-800 भेड़ बकरियां हैं जिनकी चारे की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। सरकारी जो परत थी, इन राजपूत लोगों ने आने जाने का रास्ता बंद करके हमारे घरों में बैठे हैं और कई पशुधन हमारे मौत हो चुकी है, गायें मर चुकी है कई और कई बकरियां मर चुकी हैं, बुरी दशा हो रही है और पानी पेशाब करने का भी रास्ता नहीं बचा है। आप पूछ सकते हैं इन बादशाह से, दादा आउन गाँव ने थोड़ा रास्ता बंद कर दियो, किकर लागे थे पहले यो खाने गया था भाई, गया को दिनो रास्ता को दिनो नहीं थे मिन को खपिया तो ने को मिलियो ने रास्ता का आर आज महीने हो गयो आपो ने कम कम महीने हल्लो गयो घनी कोशिश करी यार हाथ जोड़ी करी यार पगे पड़िया पण अपन ने रास्ता को मिलियो नहीं है। हाँ बात है साहब, आपने घनी घनी विनती है, मोरी हुनाई करो और मोने रस्तो दरो। इन लोगों ने हमको बंधक बना लिया है और ऐसी दशा तो जानवरों की भी नहीं होती है। जानवरों के लिए जो बाड़ा बनाते हैं उनको भी निकलने के लिए रास्ता होता है। हम तो इंसान है, हमें रास्ता तो चाहिए क्योंकि हर इंसान को जीवन जीने का अधिकार है, सम्मान पूर्वक वो जीवन जीने का अधिकार हमारे संविधान ने भी दिया है। लेकिन इन लोगों की दबंगई मानसिकता, इनकी सामंतवादी मानसिकता ने हमें ये इतने परेशान कर रहे हैं कि हमारा जीना भी दुर्भर कर दिया। आटा पानी भी नहीं ला सकते, हम आटा पानी भी नहीं ला सकते, रास्ता नहीं है, पूरी तारबंदी की हुई है, हमने अपना कब्जा कर लिया,
इनमें कोई रास्ता नहीं है। अब बूढ़ा आदमी है तो इन्हें उखन तो ले जाइए नहीं, बिना रास्ते में बैक ही कर सको। देखो थोड़े का हाथ भागा हुआ है तो देख लो, देखो बहुत परेशान हो रही है। अब इन फर्जी राष्ट्रभक्तों की ये गाय माता क्यों नहीं है? केवल किसी की लिंचिंग करनी होती है तभी ये गाय इनकी माता होती है। जब कोई चुनाव आता है तभी गाय इनकी माता होती है। मैं पूछना चाहता हूं इन कायरों से जो अपने आप को क्षत्रिय राजपूत कहते हैं, इन बेजवान जानवरों की क्या गलती थी? खास करके अनुसूचित जात के वो लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लें जो अपने आप को कांग्रेस का बहुत बड़ा नेता मानकर बाबा साहब का सपना पूरा करने का ख्वाब दिल में पाले बैठे हैं। उन्हें लगता है कि कांग्रेस दलितों की हितेसी है। साहब आप कब समझोगे कि बीजेपी और कांग्रेस कोई अलग नहीं है? ये बात राजनीतिक गलियारों के चौराहों पर बैठे कुत्ते भी भली बात जानते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के लोग दोनों चोर चोर मौसेरे भाई हैं। फिर भाई आप तो इंसान हैं, आप क्या इन जानवरों से भी गए बीते हो जो इस भ्रम में जी रहे हैं कि कांग्रेस आपका भला करेगी? जो बात हमारे महापुरुषों ने समय समय पर कही है कम से कम उन बातों पर तो अमल कीजिए। तथागत बुद्ध ने कहा है कि अपदीपो भव, यानी कि अपना दीपक आप बनो। संत श्रोमणी कबीर साहब ने कहा है कि कर बहिया बल आपनी, छोड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदियां बहे, सो कस मरे प्यास। कबीर जी कहते हैं कि अपनी भुजाओं में स्वयं बल पैदा कर अपने कार्य संपन्न कीजिए, दूसरों के भरोसे नहीं रहना चाहिए। जिसके घर नदी बह रही है उसका प्यासा रह जाना अशोभनीय है, निंदनीय है। केवल आप खुद ही अपने आप को सफल बना सकते हैं। आपकी विचारधारा की पार्टी और नेता ही आपके अधिकारों की बात कर सकते हैं। क्या आप अपने महापुरुषों से भी ज्यादा विद्वान हो गए हैं? राजस्थान के जोधपुर में हुई यह घटना तो मात्र एक उदाहरण है। प्रतिदिन ऐसे ही हजारों वर्षों से हजारों दलित आदिवासियों का शोषण हो रहा है। अगर बीजेपी और कांग्रेस देश के मूल निवासियों की हितेसी होती तो आए दिनों हमें ऐसी खबर देखने को नहीं मिलती। ये वीडियो प्रॉपर किस काम का है? अब तक कोई कानूनी कार्रवाई हुई है या नहीं, ये अभी देखना बाकी है। हमारे पास जैसे ही इस खबर से जुड़ी हुई कोई नई अपडेट आएगी तो हम आपको इस जनित आवाज चैनल पर जरूर बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए जनित आवाज और आप बताइए, आप सुझाव दीजिए, क्या कांग्रेस हकीकत में दलित हितेशी हो सकती है या नहीं? नमस्कार।